MH14PE1713. हाँ, मरून मर्सिडीज, नाम और पता जल्दी। पॉपकॉर्न लेके आ, कुछ सैंडविच वैंडविच लेके आ, और दो ग्लास ठंडा लेके आ। ओके सर। और सुन, इनकम टैक्स के बहुत बड़े अफसर हैं सर, समझा ना, सब काम बराबर कर वरना तेरे थिएटर पे रेड मरवा देंगे। चल जा, जल्दी लेके आ। सर वो मूलचंदा नहीं फंसा कैसे, उसके तो बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। बड़े थे, बड़े कॉन्टैक्ट ने बड़ी वाट लगा दी। मुझे फोन करके कहा कि रेड होने वाली है, पैसे लेके भागो। अच्छा, फिर? फिर क्या, भागा, लेकिन कहाँ भागा, पड़ोसी के घर। रेड कहाँ हुई, पड़ोसी के घर। हेलो, हाँ जी नमस्कार सर जी। नहीं नहीं, ऐसे ही फिल्म देख रहे हैं। हाँ जी बोलिए, रेड मारनी है। हाँ जी, हो जाए। 20-25 अफसर। ओहो ओके। सर नाम बता दीजिए। जी एक मिनट, लिख प्रतीश शाह। जी जी, और उनका एड्रेस? 1411 गुलमोहर बिल्डिंग, पालियल। ओहो, घर में मर्सिडीज कार भी है। नहीं नहीं, टेंशन मत लीजिए आप सर, क्योंकि आज के बाद तो बस के लिए भी चिल्लर मांगेगा। हाँ जी, पहुंच जाएंगे हम लोग 3 बजे। चार रखता हूँ। जो मुश्किल काम था वो हो गया। बकरा कटने के लिए खुद तैयार। अब वो अपना माल लेके लिफ्ट में घुसेगा और हम उसे थोड़ी सी लिफ्ट करा दें। कैसी लड़कियां बैठती हैं लॉबी में? लॉबी में लगाने का भी तरीका होता है, सिक्का है। हाय। आपका दिमाग खराब है, क्या कर रहे हैं आप? वजन चेक कर रहा हूं। 72 kg। भविष्य है, आज का दिन सफर के लिए अच्छा होगा। This is note number list, Maharashtra Police. Where is your Malik's? You speak English? Huh? Who is this? कितनी बार बोला तुमको? ये थोबड़ा लेके मत आओ। कितनी बार बोला घुस खाने चले आते हो? कस्टमर पे कितना असर होता है? घुस खाने नहीं आया सर। तो फिर घुस खाई उसकी रिसीट देने आया है? दिल्ली पुलिस ने नकेल के रखा सर। और यही हम मैनेजर को देने आए थे सर। मैनेजर साहब को कहा सर कि ये लोग आए तो हमें बता दे। पता चलेगा बता दे। सर पता चलेगा बता देंगे। सर पता चला तो इन्फॉर्म कर देंगे। पता चला तो इन्फॉर्म कर देंगे। पता चला तो इन्फॉर्म कर देंगे। पता चलेगा तो बता देंगे। तो मैं एक्टिंग कर रहा था ना भाई, तभी उस अंकल ने मार दिया, अदरवाइज तू तो बता इनको। 15-20 पे मैं अकेला भारी पड़ता हूँ। नहीं यार, ए, तुम लोग दारू पी रहे हो? है प्लान आज शुरू हुआ है, खत्म नहीं। अरे देखो इसे, 5 मिनट रहा है ये चंद्रू के साथ। हालत देखो इसकी, हमें वहां जाके रहना है। गुरु, उन्हें जो करना था कर लिए। आप अपना टाइम है, राइट? बॉल अपने हाथ में, अब जो करना है हमें करना है। तुम टेंशन मत लो, दो चार कूट मार लो। आज से प्लान खत्म होने तक हमें बहुत ही संभल के रहना होगा, समझे डिट्टू? बाहर की दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं हो सकता। जो भी काम है आज ही निपटा लो, समझे? सॉरी करो, आप मेरे लिए जो कुछ कर रहे हैं
अब तक आपने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं कभी भूल नहीं सकता। नेवर। एक दिन मैं भी आपके लिए कुछ करूंगा। वन प्रॉमिस। सोचता हूँ आपकी लाइफ बढ़ा दूँ। नॉट अ बैड आइडिया। बेबी। या? थैंक्स फॉर हेल्पिंग आउट। तुम्हारी अच्छा लगा। सीरियस। बहुत अच्छा। कॉफी? तुम सिर्फ तुम कैसे बन गए? मतलब? मेरा मतलब? इन फोटोग्राफ्स में तो इतने क्यूट, स्वीट और इनोसेंट लग रहे हो। What happened? You know, लोगों को धोखा देना, हीरा फेरी करना, इन सब गलत कामों में तुम कैसे पढ़ गए रॉय? जब मैं छोटा था, स्कूल में कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर, कोई फायरमैन, कोई पुलिस ऑफिसर। और तुम? मैं सब कुछ, हर काम करना चाहता था। और प्लीज रॉय, तुम एक एक्टर नहीं, एक क्रिमिनल। ओ अच्छा, तो सारी दुनिया करे तो लीगल है, मैं करूं तो मैं क्रिमिनल। तुम भी क्रिमिनल की काम करती हो भाई? एक्सक्यूज मी, मैं एक होटल में काम करती हूं। तो होटल में क्या होता है? पानी पीना है तो 100 रुपए एक बोतल, खाना खाना हो तो 250 रुपए की दाल, सोना है तो 5000 का बेड, होटल वाला चूना ही लगाता है। वो सब टैक्सेस होते हैं। ओह आई सी। जी हाँ, और अब तुम कहोगे टैक्सेस, वैट, ये सब बॉट लगाने के बहाने। एग्जैक्टली। ओह प्लीज रॉय, दैट इज सो रिडिकुलस। तुम्हारी तो देखने का नजरिया ही गलत है। तुम जिस दुनिया में रहते हो ना, वहां लोग सिर्फ पैसों के लिए जीते हैं। मेरी दुनिया में हमदर्दी भी है, दोस्ती भी है और प्यार भी। प्यार के बारे में शुरुआत हो प्लीज। ओह यस, आई एम सो सॉरी। अब तो तुम ये कहोगे कि माँ के दूध में भी मिलावट है, राइट? ये बात नहीं है सर, पर प्यार। जानती हो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है? आई लव यू। व्हाट? आई लव यू। इन तीन शब्दों से ना जाने कितने लोग दो दो करके बर्बाद हुए। उन्हें देखो, आज के हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, और कल के बुश और सदाम। रियली? अभी तो सब कुछ ठीक है, 3 महीने बाद सिर्फ आई और यू रहे, लव हवा हो जाएगा। लव का अंजाम अक्सर ऐसे ही होता है, पति पत्नी बाहों में एक दूसरे के साथ होते हैं लेकिन सपनों में किसी और के साथ होते हैं। बेगम यही सोचती है कि शौहर की जगह शाहरुख खान हो, और शौहर यही सोचता है कि बेगम की जगह बिपाशा। सीरियसली, यही दुनिया है और ये भी हकीकत, सब एक दूसरे को ब्लफ कर देते। जो पकड़ा गया वो गया, लेकिन जो बच गया वो ब्लफ मास्टर। तो इसका मतलब जब तुमने मुझे आई लव यू कहा था वो झूठ था। वो सच था सर, वही तो एक सच था। तुम जैसे ब्लफ मास्टर का क्या भरोसा, कब सच बोलते हो कब झूठ किसे पता। तुम्हें क्या लगता है मैंने जो तुमसे आई लव यू कहा था वो सच था या झूठ? चलो यहाँ से, पेशेंट डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो पेशेंट नहीं है डॉक्टर। गुरु स्टॉप इट, ये पुलिस को बुलाएगा। अरे मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी, इसलिए तो उसे मम्मी बनाया। प्लीज बात सुन लीजिए, आपको
आप सीनियर सिटीजन है इसीलिए मैं जवान में बहुत खड़ा हूँ। दादाजी ऐसी उम्र को तो खड़े हो कीजिए। अरे आपने लोगों की जान बचाने की कसम खाई है। मुझे कोई याद नहीं, याद नहीं, मुझे कोई कसम याद नहीं। ऊपर मिलेंगे गुरु। इसकी जान बचाकर तुझे नहीं छोड़ूंगा, इसकी जान बचाकर तुझे नहीं छोड़ूंगा। क्या बोले तुम्हें? मैं बच जाऊंगा। लेकिन मेरा इलाज हो सकता है। मैंने तुम्हारे रिपोर्ट्स वाले मारा इस बार भेजे थे। अटलांटा से कॉल है। वहां के स्पेशलिस्ट का कहना है कि तुम्हारे जैसे केसेस में कुछ सक्सेस मिली है। देखो मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, चांसेस कम है, लेकिन इनफैक्ट ये एक ही चांस है। अरे एक परसेंट चांस भी ना करो तो उसे 100% कर देंगे। 2-2.5 करोड़ का खर्चा है आने जाने का, वहां 2-2.5 महीने रहने का, पोस्ट ऑपरेटिव केयर। मैंने यहाँ कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से भी बात की है। मैंने उसकी कोई जरूरत नहीं। सारे पैसे 10 साल की कमाई। अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं, तो ट्यूमर के साथ तुम्हारे 2-4 और बीमारियों का इलाज कर देता। क्या बात कर रहा है? हाँ क्यों नहीं जानता हूँ, तुम्हारी ऐसी पटी, मतलब ऐसी पटी जैसे अभी फट रही, मतलब हिसाब है अपना रॉय। हाँ सब बराबर हो गया। वैसे मैं शुरू से इस प्लान में नहीं था, और जब अर्जुन ने बोला तो रहा नहीं गया। कौन अर्जुन? अर्जुन यानी कि डिट्टू, यानी कि चेला, यानी कि ब्लफ मास्टर। चीज़ रॉय, रॉय तुम्हें नहीं कहा था कि अटैक सीधा वेल पे करना चाहिए, इसलिए मैंने ये दवाई तुम्हारे ड्रिंक से मिला दी। कभी चक्कर, कभी बेहोशी, ये रहा तुम्हारा ट्यूमर। You want it? कैसे किया समझ में आया, क्यों किया अभी तक समझ में नहीं आया। 100 झूठ में एक बात सच है रॉय, ये सब मैंने अपने बाबा के लिए किया। बाबा इंस्पेक्टर, इस बार एनकाउंटर तुम्हारा हो गया। मेरे डायरेक्शन के ब्रेक में तुमने ब्रेक लगा दी, फिर मैंने अपनी खुजली कुछ इस तरह मिटा ली। डिट्टू, खुजली मिटाने के लिए लोग पाउडर यूज करते हैं, चूना नहीं। मेरे पैसे कहाँ? शूटिंग के लिए पैसे लगते हैं रॉय, कहानी लिखनी पड़ती है, लोकेशंस के खर्चे हैं, स्टंट्स, एक्शन,
नकली पुलिस, नकली डॉक्टर। डॉक्टर भी? Where is the doctor? Ding-dong! Right, baby, how are you? तो आप क्या हैं, किराए के एक्टर या डांस मास्टर? डॉक्टर हूँ, लेकिन जानवरों का A to Z, एल्सन से लेके ज़ेब्रा तक सबकी इलाज करता हूँ। सिचुएशन बदल गई है, लेकिन मेरी गेटवे वाली बात कभी भूलना नहीं भाई। Never. Good luck, Roy. वो लाइंस मेरे थे, राइटर के नहीं। तो आपके पास राइटर भी है? कहाँ है आपके राइटर? तुम तो उसे बहुत अच्छी तरह जानते हो, हमारे श्रीधर साहेब। ऊपर क्या कर रहे हो? नहीं, मेरा इंश्योरेंस नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है तो मेरे एजेंट को मिली, ये मेरी बीवी है, एजेंट सब कुछ है, मैं सिर्फ लिखता हूँ। नीचे आते हो या पहले किसी डॉक्टर को बुलाओ, फिर मैं नीचे आऊंगा। ओके ओके, कम 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 कम। नहीं, ये कुत्ते का डॉक्टर है, मुझे कुत्ते की मौत मारेगा, मैं नहीं आऊंगा। वैसे मैंने आपको हीरो समझ के लिखा था सब कुछ, 3-4 फाइट्स थी, 4 गाने थे, 1 आइटम सॉन्ग था, 2 चेस थे, 3-4 बेड सीन भी थे वो, लेकिन वो डायरेक्टर है ना, उसने चेंज कर दिया। आप तो जानते हैं यहाँ राइटर की कौन सुनता है। Thanks, buddy. सबसे मिल लिया। बस अब बता दो कि तुम्हारी फिल्म की हीरोइन कहाँ है?